स्टॉवीज के एक और नए एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। कल मैं गया था शायद भाई के शायद और दोस्त, तो करोला की जो सिचुएशन थी वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। करोला की दो वीडियोस और मैं पहले भी बना चुका हूँ, किस कंडीशन में वो गाड़ी आई थी और क्या हालत थी उसकी और उस पर क्या क्या काम हुए थे, थोड़े बहुत मैंने शूट किए थे, तो उसकी दो वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप भी देखिए। और कल जो मेरी बात हुई शायद भाई से, बड़े सवाले से हुई थी कि गाड़ी को रिस्टोर करना वर्थ इट है भी कि नहीं, और किस तरह से मतलब उस कंडीशन में से इस कंडीशन में लाने पर कितना खर्च आ जाता है। गाड़ी तकरीबन 95% कंप्लीट है और जो रेस्ट ऑफ द वर्क रह गया है वो इंशाल्लाह 2 से 4 रोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा चक्कर लगे तो मैं उसकी वीडियो भी बना लूँ और आपके साथ फाइनल भी शेयर करूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या प्रोसीजर है, गाड़ी कहाँ तक पहुँच गई? सही है, बाकी गाड़ी कंप्लीट हो गई। कितना अर्सा लग गया इस गाड़ी को कंप्लीट होने? 3 महीने लग गए। गाड़ी में क्या क्या काम हुआ डेंटिंग का? हाँ हाँ, डोर पैनल, डोर, पूरी बॉडी में काम था। सही है, तो हाँ हाँ, बैक लाइट कब तक आ जाएगी? 1-8 दिन में हो जाएगा। एक चलेंगे फिर फाइनल लुक भी देखते हैं इसका। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। क्या चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी फाइनली तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो गई। तकरीबन 95% तैयार। क्या रह गया काम इसमें? थोड़ा बहुत काम रह गया, जैसे कि ब्रेक लाइट है, साफ सफाई का काम है, तकरीबन गाड़ी तैयार। गाड़ी में काम क्या क्या हुआ? गाड़ी के अंदर फुल डेंटिंग का काम था, कलर का काम था। मतलब अगर इसी वीडियो के अंदर आप शुरू के उसमें देखेंगे तो गाड़ी की हालत आपको, कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। गाड़ी ये कौन से एयर का मॉडल है, क्या सिस्टम है इसका, मुझे बताएं ज़रा। ये 2008 का मॉडल है। सही है, कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा गली भी नहीं गई, नीचे से दबाते वगैरह। अच्छा, जिस कंडीशन में ये गाड़ी आई थी उस कंडीशन में गाड़ी की वैल्यू क्या थी? खर्च करने के बाद और उससे पहले जिस कंडीशन में था, कोशिश करते तो मेरे ख्याल में शायद कोई 8 लाख, 7-8 लाख भी बेचने के अंदर जो है ना मुश्किल आ गई। और ये तो आपकी और पार्टी के बीच की बात है, लेकिन मैं गाड़ी के लिए पूछ रहा हूँ कि इस गाड़ी पर कितना खर्च आ जाता है जिस कंडीशन में ये थी, और अगर इस पर इस तरह की गाड़ी बनाना चाहें तो कितना खर्च आ जाएगा? इसके अंदर जो स्टार्ट करने जो वीडियो है इसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा, ताकि मैं आपको बता भी दूँ। तकरीबन ऐसी गली हुई गाड़ियों के अंदर तकरीबन 80 से 85 हज़ार रुपये लगते हैं। सही, अगर सामान चेंज का हो, पेंटिंग और पेंटिंग का काम,
गाड़ी में इतना डिले क्यों आ गया? लॉकडाउन की छुट्टियों की वजह थी, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइमिंग का भी इशू था, क्योंकि दस बजे और एक टाइम पे छः बजे की टाइमिंग रखती थी मेरे गवर्नमेंट ने, जो आठ बजे की टाइमिंग रखती थी, जो है छुट्टियों का निज़ाम चला लॉकडाउन, मतलब मार्केट हालात बेहतर होते तो ये कितने टाइम में बन जाती जी? इंशाल्लाह ताला ये डेढ़ महीने में तैयार हो जाती है। तैयार है। चलें शहर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम लेने का। ओके, अल्लाह हाफिज़। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप मुझे फेसबुक पर जाएँ या फेसबुक पेज पर मुझे लाइक कर लें और फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।